वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड, माई सेल्फ डॉक्टर मनोज बंदवार। और आज हम एक केस डिस्कस करेंगे। केस बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। कई बार हमारे पास ऐसे केस आते हैं, और तो ये केस है 41 ईयर्स ओल्ड फीमेल का। और ये इसके बच्चे के साथ मेरे क्लिनिक पर ट्रीटमेंट के लिए आई, और मुझे इन्होंने कहा कि उसके जो बेटे में आए थे साथ में, उन्होंने एक फ़ाइल मुझे दी और बताया कि डॉक्टर साहब तकरीबन 6 महीने से इनको कमज़ोरी की बहुत ज़्यादा समस्या है। और जब हमने उनकी फ़ाइल वगैरह चेक की तो उनको हीमोग्लोबिन और विटामिन B12 की रिपोर्ट्स में कमी बताई। तकरीबन उन्होंने 5-7 डॉक्टर को दिखाया अलग अलग जगह पर, उनकी वीकनेस ठीक नहीं हो रही थी। उनकी कमज़ोरी जो उनको मेन वीकनेस आ रही थी वो ठीक नहीं हो रही थी। तो हमने जब उसकी उनके जो प्रिस्क्रिप्शन देखे तो उसमें क्रोनिक फटीग सिंड्रोम डायग्नोस किया हुआ था कि इनको क्रोनिक फटीग है, क्रोनिक फटीग सिंड्रोम की बीमारी है। तो हमने जो लेडी ट्रीटमेंट ले आई थी उनसे पूछा कि बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो बोले डॉक्टर साहब तकरीबन 5-6 महीने से मुझे कमज़ोरी तकलीफ स्टार्ट हुई है, और मेरे हाथों में जान नहीं है। पहले मैं सारा घर का काम अकेले कर लेती थी, क्योंकि हम पहले घर में 3 लोग ही थे, मैं, मेरे पति और मेरा बच्चा, हमारा एक ही बच्चा है। और ये बस शादी के बाद से मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। तो अब तो मैं घर का कोई काम नहीं ठीक से कर पाती हूँ। मुझे दिन भर सोने का मन होता है, थोड़ा सा चलती हूँ तो थक जाती हूँ, थोड़ा सा काम करती हूँ तो बिल्कुल सांस भरा जाती है मेरी, और कुछ वज़न नहीं उठा पाती हूँ। वज़न उठाती हूँ तो मेरे हाथों में जान ही नहीं रहती है। कई जगह हाथों में ऐसे सुनपन सा फील होता है मुझे, भूख नहीं लगती है मुझे, और नींद भी नहीं आती मुझे। तो हमने पूछा कि क्या आप बताएंगे 6 महीने के आसपास ऐसा क्या हुआ तो आपको। तो लेडीज़ कुछ बोली नहीं, पर बीच में लड़का बोला कि सर 7 महीने पहले मेरी शादी हुई है, और बस शादी के बाद से ये थोड़े से टेंशन लेने लग गए हैं। तो मुझे लगा कि ये चीज़ लेडी से अकेले में पूछना चाहिए। तो हमने कहा बच्चे को कहा बाहर बैठिए, 2 मिनट में इनसे बात करता हूँ, क्योंकि लेडी ने बताया नहीं हमें उनके घर के मैटर के बारे में। तो मैंने लेडी से पूछा कि बताइए आपकी तकलीफ क्या है, तो कैसे स्टार्ट हुआ ये, और घर में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो बोला डॉक्टर साहब 7 महीने पहले बच्चे की शादी हुई है, और शादी के बाद से घर में झगड़े स्टार्ट हो गए हैं, और मैं कभी झगड़े वाली लेडी रही नहीं हूँ। सर मेरे घर में बहुत माहौल अच्छा है, मुझे झगड़ों से बहुत डर लगता है। मैं लड़ती नहीं हूँ, ज़्यादा चिल्ला चोट नहीं करती हूँ किसी से, बिल्कुल शांत नेचर मेरा। पर शादी के बाद से जैसे झगड़े स्टार्ट हुए, उसके बाद से मुझे बड़ी चिंता सी होने लगी है, और उसके बाद से ये सब समस्याएं मुझे आई हैं। तो मैंने कहा कि क्या हुआ क्या घर में। बोले सर वो मेरी जो बहू है वो बच्चे के साथ बहुत भयानक रूप से लड़ रही थी, और हम तो बहुत अनाप शनाप बातें करना और अलग गलत गलत आरोप लगाना बच्चे के ऊपर, हमारे ऊपर। तो मैंने कहा कि आपने फिर क्या कहा। बोले सर मैं पहले तो झगड़े पसंद नहीं करती हूँ, मुझे जहाँ झगड़े होते हैं वहाँ बहुत डर लगता है। तो मैंने अब उसके आरोप लगने से मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, बहुत गुस्सा अंदर ही अंदर आ रहा था, पर मैं डर की मारी नहीं बोलती हूँ कुछ भी। मैंने किस बात का डर आपको कि डॉक्टर साहब उसको तो पता नहीं, उसको लोकलाज की कोई चिंता है नहीं, कल परसों आई है वो, तो उसको तो यहाँ कोई जानता पहचानता नहीं है। पर हम यहाँ वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, या समाज में हमारी इज्जत है, या लोग हमें कुछ सम्मान देते हैं। अगर मैं उसको कुछ बोली, क्योंकि वो बहुत ज़ोर ज़ोर चिल्लाती हैं, और मैं उसको कुछ बोलूँगी तो वो जैसे शब्द वो ज़ोर ज़ोर चिल्ला के बोलेगी तो, और आसपास के लोग सुनेंगे तो हमारे समाज में इज्जत क्या रह जाएगी। डॉक्टर साहब आसपास के लोग क्या सोचेंगे कि इनकी कोई इज्जत ही नहीं बची है, हम लोग हमारी रेपुटेशन, हम बाज़ार में हमारी रेपुटेशन ख़राब होगी। अब उसको इज्जत की कोई परवाह नहीं, पर हमें तो चिंता रखनी पड़ेगी ना डॉक्टर साहब। वो इतना कुछ बोल जाती है तो मुझे डर लगता है कि फिर हमारी क्या इज्जत बचेगी। और मैंने कहा कि तो फिर आपने क्या किया। मैंने कहा कुछ नहीं सर, मैं सुन लेती हूँ चुपचाप, मन मान लेती हूँ, कुछ बोलती नहीं हूँ ज़्यादा, गुस्सा तो आता है पर नहीं बोलती हूँ मैं। तो मैंने पूछा कि और क्या है, मतलब आपको किस चीज़ का डर है। सर के बस डर यही है कि कहीं कोई बड़ा, ये बीमारी कोई बड़ा नुकसान ना कर दे मुझे, क्योंकि अभी हाथ पैरों में मुझे कहीं हल्की सी सीटियाँ काटती ऐसा भी लगता है। तो
मुझे लग रहा है कहीं कोई रीढ़ की हड्डी या किसी शरीर में कहीं बड़ी कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए, बस यही दिमाग में चलता है कि कहीं बड़ी चीज़ या कहीं बड़ी बीमारी ना हो जाए। और ये कमज़ोरी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो कहीं और ज़्यादा कमज़ोरी ना बढ़ जाए, इसका मुझे डर लग रहा है सर। तो हमने इस केस में देखा कि पेशेंट सब चीज़ सुन रही है, गुस्सा आ रहा है पर बोल नहीं रही है। और हम इस केस में शुरू से जाएँ तो पेशेंट को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, शादी के बाद से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है और शादी के बाद से घर में झगड़े स्टार्ट हुए हैं। तो सबसे पहला रूबरी की हमारे यहाँ से बनता है कि एलिमेंट फ्रॉम क्वारलिंग एग्रावेट, झगड़ों के बाद घर से इसकी प्रॉब्लम को स्टार्टिंग मिली है। और सेकेंड, जब पेशेंट से हमने पूछा कि घर में झगड़े होते हैं और पेशेंट ने क्लियर करके दिया, डॉक्टर साहब मैं झगड़े वाली लड़की लेडीज़ नहीं हूँ, मुझे झगड़े पसंद नहीं है, क्वारलिंग एवर्जन सेकेंड रूबरी। थर्ड, पेशेंट ने कहा डॉक्टर साहब मैं झगड़े वगैरह कुछ नहीं करती हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो ये ऐसे पेशेंट माइल्ड होते हैं, माइल्डनेस ये है हमारा रूबरिक। और वो कुछ बोलती है तो मैं चुपचाप मन मार लेती हूँ, समर्पित हो जाती हूँ, समर्पण कर देती हूँ, झुक जाती हूँ। ये यील्डिंग डिस्पोजिशन, इस टाइप के लोग रिप्लाई नहीं करते हैं, झुक जाते हैं, मन मार लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को माहौल के हिसाब से। तो एक ये रूबरिक हुआ। उसके बाद पेशेंट से हमने जब पूछा था कि आप जनरली रिप्लाई क्यों नहीं करते, क्यों क्या डर है आपको, तो एक रूबरिक है हमारे पास कोवाडिस टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन। ये अपने डरपोक जो उनका बिहेवियर होता है उसकी वजह से अपनी जो ओपिनियन है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बता नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ बोलेंगे, वो ज़ोर से बोलेगी तो हमारी इज्जत ख़राब होगी। तो यह फियर सोशल पोजिशन अबाउट, जो समाज में हमारी पोजिशन है वो ख़राब हो जाएगी, उसकी तो कोई इज्जत नहीं है, पर हमारी तो इज्जत है ना, हम वो लड़ेगी हमसे, जवाब तलब करेगी, तो लोग कोई बीच में हमारी इमेज ख़राब होगी। तो एक ये है। और उसके बाद में पेशेंट से हमने पूछा कि इससे आपको डर क्या है, तो पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर साहब यही कि बस ये बीमारी कहीं बड़ी बॉडी में नुकसान ना कर दे, पेशेंट को बड़े नुकसान का डर है, बड़ी इंजरी का डर है। तो यह है फियर इंजरी ऑफ बीइंग इंजर्ड। पेशेंट को यहाँ नुकसान का डर इज्जत को लेकर भी होता है, तो वहाँ भी फियर ऑफ इंजरी बीइंग इंजर्ड है। यहाँ किसी बड़ी बीमारी या बड़ी चीज़ कड़ी बड़ी नुकसान का डर है, तो वहाँ पर भी फियर इंजरी बीइंग इंजर्ड है। और पेशेंट इस कोवाडिस नेचर के साथ साथ में एक डर उनको ये भी होता है कि हम कुछ बोलेंगे तो फिर लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे। तो ये है सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स, वो दूसरों के ओपिनियन को लेकर इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि वो रिप्लाई ही नहीं करते हैं कि लोग क्या बोलेंगे। तो इस चक्कर में पेशेंट नहीं बोलते हैं और उन्हें पता है कि सेंसिटिव ये पेशेंट होता है ना, मॉरल सेंसिटिव टू मॉरल इम्प्रेशन, इससे लड़ेंगे तो गलत, ये तो गलत है ना, हमारी इज्जत ख़राब होगी। तो सही गलत की जानकारी इन लोगों को बहुत ज़्यादा होती है। और पेशेंट इसमें बोल रहा कि मैं कोई रिप्लाई नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे गुस्सा तो बहुत आता है। तो यह पेशेंट एंगर सप्रेस्ड कंट्रोल्ड, गुस्से को दबा लेता है, गुस्से को पी लेता है। और पेशेंट की बीमारी गुस्से के दबने के बाद से नर्वस सिस्टम पर चली गई, एक न्यूरोस्थेनिया का रूप ले लिया। और पेशेंट डॉक्टर्स उनको विटामिन B12 और हीमोग्लोबिन के टेस्ट और सीरप टेबलेट सब दे रहे हैं, बट पेशेंट की कंडीशन एज इट इज़ है। तो हमने उनको स्टेफेसिविर 200 का एक डोज दिया। और एक डोज देने के बाद में पेशेंट ने 3 दिन बाद बोला, डॉक्टर साहब काफ़ी अच्छा लग रहा है, नींद मुझे बहुत अच्छे से आ रही है, मेरी भूख थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है, बल्कि अभी तो हाथों में कमजोरी है, बाकी मेरी 2-3 चीज़ों में बहुत आराम मिला है मुझे, मेरा पेट भी अच्छा साफ हुआ आज मेरा और नींद अच्छी आई है मुझे। और तो मैंने ठीक है मुझे 15 दिन बाद फॉलोअप पे बताइए। 15 दिन बाद लेडीज़ फॉलोअप पे आई तो उन्हें तकरीबन 50-60% रिलीफ था, क्योंकि जनरली वो काफ़ी टाइम से विटामिन B12 के इंजेक्शन लगवा रही थी, बाकी उनको रिलीफ कुछ नहीं मिल रहा था। हमारी स्टेफेसिविर 200 के एक डोज ने उनको 50-60% रिलीफ 15 दिन में दिया। और एक महीने के बाद जब उन्होंने नेक्स्ट फॉलोअप दिया तो उन्होंने कहा कि सब 80-90% अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे किसी प्रकार की थकान वगैरह, मेरा काम में वापस इंटरेस्ट आ गया है, मैं काम कर पाती हूँ। और 1.5 महीने के ट्रीटमेंट में सिंगल डोज स्टेफेसिविर के
देने के बाद में वो लेडीज़ पूरी तरह ठीक हो गई। तो ये केस था हमारा स्टेफिसेग्रिया 200 का। स्टेफिसेग्रिया पेशेंट जो होते हैं वो डिग्निफाइड होते हैं, वो लोग प्रतिष्ठित हो, अपने आप को प्रतिष्ठित मानते हैं और वो इजीली गुस्सा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, सप्रेस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाला लड़ रहा है तो उसकी तो कोई इज्जत नहीं, पर हमारी तो इज्जत है ना, क्योंकि उनको हम लड़ेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे, और इनसे लड़ने से हमारी इज्जत डाउन होगी। फियर सोशल पोजीशन रहता है, यानी कि इनकी इज्जत बाजार में ख़राब हो जाएगी, नुकसान होगा इज्जत को। तो ऐसे लोग इजीली अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करते हैं, फॉरवर्डिज होते हैं, माइल्ड होते हैं, यील्डिंग होते हैं, झुकने की प्रवृत्ति होती है, और सही गलत की जानकारी इनको बहुत ज़्यादा होती है, सेंसिटिव टू मॉरल इंप्रेशन होते हैं। तो ये केस था इग्नेश स्टेफिसेग्रिया का। केस अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और होम्योपैथी का प्रचार करें। थैंक यू।